तो दोस्तों आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए ये क्या चीज़ है, पहचानिए। तो दोस्तों ये है तोरी। अगर हम तोरी को उसके पौधे पे ही लगा छोड़ दे तो वो सूखने के बाद कुछ इस तरह की हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने पिछले साल की छोड़ी और इसमें सीड है। तो दोस्तों मार्केट से हम सीड ना लें, अपने घर ही पे ही सीड तैयार कर सकते हैं। हमें बस एक फ्रूट छोड़ना होता है और उसके बाद वो सूखने के बाद उसके अंदर सीड बन जाते हैं। तो ये पिछले साल का मैं छोड़ रखा था, तो अब इस साल हम इसमें से सीड निकालते हैं, देखते हैं इसमें सीड है और किस क्वालिटी के हैं, क्या वो ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लाइक कर दीजिए इसी बात पे। तो देखिए इसमें से सीड निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये जो सीड है ये पूरी तरह से तैयार है एकदम। मैंने सही सोचा था कि ये सीड मुझे सही हालत में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इसी तरह से सीड मार्केट से नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। अगर आप तोरी, लौकी या करेला अपने टेरेस गार्डन पे लगाते हैं तो आप मार्केट से सीड ना लेके, अगर आप एक बार सीड लाते हैं तो आप कुछ फ्रूट छोड़ दें, उनमें एक से डेढ़ महीने बाद उसमें सीड बन जाते हैं। तो ये देखिए इसमें कम से कम 200 से 300 सीड मिल जाएंगे। इतने तो मुझे लगाने की जगह भी नहीं है, तो मैं कुछ लगा लूँगा और बाकी जो होते हैं मैं किसी को दे दूँगा। तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे सीड निकले, ये तोरी के हैं तो देख सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके इसमें लगाते हैं। तो मेरे को ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 सीड चाहिए होते हैं। मैं हर साल अपने टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगाता हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो इस साल भी मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी, अगर आप पे सीड नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो मार्केट से सीड लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे तो घर ही पे ही इतने सीड हो गए हैं तोरी के। तो देख सकते हैं इनको कुछ दूरी पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी मेरे पे वो गमले नहीं हैं, जब तक इनको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ फिर इन्हें ट्रांसप्लांट में करूँगा। तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, उसके लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आप तक वो वीडियो आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।